नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर महंगाई पे। देश का सियासी पारा भी चढ़ गया है, जिस तरह से रेट बढ़ रही हैं उसी तरह से पारा भी बढ़ रहा है, लेकिन सियासत का। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और राहुल गांधी ने आज फिर केंद्र सरकार पे हमला बोला है और पूरे फैक्ट्स के साथ में उन्होंने बात कही है कि 116% सिलेंडर के दाम 2014 के बाद, 46% पेट्रोल और 42% पेट्रोल और 55% डीजल के दाम बढ़े हैं। ये सरकार का असली चेहरा है। आम जन के साथ में किस तरह की स्थितियां बनी हैं वो सब जानते हैं। बहुत सही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये राहुल गांधी ने काफी कुछ आज कहा है, तो उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की सीनियर लीडर ज्योति खंडेलवाल जी हैं, भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, चारू गुप्ता जी एक आम उपभोक्ता और सोशल वर्कर हमारे साथ में, सभी का स्वागत है। मैं ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी और केंद्र सरकार का साफ कहना है कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से महंगाई है। उस वक्त उन्होंने फ्यूल कंपनी यानी कि पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उनको बॉन्ड्स जारी किए, वो पैसा चुकाना पड़ रहा हमें, इस वजह से महंगाई आ रही है। तो कांग्रेस को किसी भी तरह का हक नहीं है सवाल उठाने का, ये भाजपा का साफ कहना है। देखिए, बीजेपी के शायद सत्ता में आने के बाद जिम्मेदारी जो होती है उसे शायद स्वीकार करना ही नहीं चाहती है। उसे उसे पता ही नहीं है शायद कि सत्ता में, डेमोक्रेसी में जब आप सत्ता के प्रति, सत्ता में आपको जनता जब विश्वास मत देकर के भेजती है, आप पे विश्वास जता के भेजती है, आपके नारों पे, आपके स्लोगन पे विश्वास जताती है कि बहुत हो चुकी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो वो सब शायद इनके लिए चुनावी वादे, चुनावी जुमले ही हैं। और यही बात है कि ये बार बार सत्ता में 7 साल आप कंटिन्यूस रहने के बाद भी विपक्ष को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ये तो मतलब कभी देखा ही नहीं है ऐसा, डेमोक्रेसी में शायद कभी ऐसा होता भी नहीं है। जो पक्ष में होता है, जो पावर में होता है, जो सत्ता में होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है सरकार के प्रति। लेकिन ये एक ऐसी सरकार आई है, मतलब बहुत ही एक कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेट सी बात लगती है, अप्रत्याशित सी बात लगती है कि आप अपने हर जनता के ऊपर आप सारे अपने फैसले लाद देते हैं और सारी जिम्मेदारी जो है वो विपक्ष पर डाल देते हैं। मतलब डेमोक्रेसी में विपक्ष का काम होता है कि सत्ता से प्रश्न पूछे और सत्ता का ये काम होता है कि वो उसको जवाब दे, लेकिन यहाँ तो हमेशा ही उल्टा होता है। आप कोई भी मैटर उठा करके देख ले, और बड़ा आश्चर्य होता है जब ये उन बॉन्ड्स की बात करते हैं। अरे वो बॉन्ड्स अटल जी की सरकार में देना शुरू किया गया, पहली बात। दूसरी बात, उसको आपको जो यूपीए गवर्नमेंट जो पे कर रही थी उससे आप बहुत बहुत कम, अब मैं आंकड़ों पे जाऊंगी तो आप बोलेंगे कि आंकड़ों पे जा रहे हैं, लेकिन मैं आम जनता की भाषा में बताना चाहती हूँ कि आप उतने बॉन्ड का रीपेमेंट भी नहीं कर रहे। फिर आप जनता को गुमराह करने की बात करिए, आप निकालिए आंकड़े कि ये यूपीए गवर्नमेंट में किए गए, ये हमको इतने करने थे, इतना पेमेंट करना था और हमने इतने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, और इतने सिलेंडर के दाम बढ़ाने से जनता को ये लाभ हो रहा है। आप एक लाभ नहीं बता पाते हो जनता को देने का, आप कोई राहत नहीं दे पाते हो, और लगातार कोरोना के इस मुश्किल समय में बार बार आप केवल और केवल गैस, मतलब एक मैं तो एक महिला होने के नाते भी कहना चाहूंगी, जब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता है ना, तो हम केवल निम्न आय वर्ग की नहीं, मध्यम आय वर्ग की नहीं, हर घर का बजट बिगड़ता है, हर घर की जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, महिला बेचारी खून के आंसू रोती है। तो ऐसे में आप और फिर इस तरह की गुमराह करने वाली बातें भी करो, और आप सत्ता में भी छोड़ दो, आप सत्ता दे दो इस्तीफा कि हमसे नहीं संभल रही है, हम नहीं ये बॉन्ड भर सकते हैं, हम नहीं महंगाई की मार सह सकते, हम महंगा कम कर सकते हैं लोगों के लिए, छोड़ दो सत्ता, आने दो दूसरे को, वो करके दिखाएगा। अगर आप वापस आ रहा हूँ आपके पास में, गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस लगातार ये हमला जरूर बोलती है कि आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने में माहिर है बीजेपी और केंद्र सरकार, गुमराह कर रही है पार्टी देश को। अभी जैसे ज्योति जी ने सीधा आरोप लगाया है कि जो फैक्ट्स हैं उसके आसपास में नहीं होते हैं, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, कई बार ये सवाल उठाती है कांग्रेस। और महंगाई को जस्टिफाई की करने के लिए, जैसे अभी ज्योति जी ने कहा कि ये बताया जाना चाहिए कि इतना पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, महंगाई को हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि देश का विकास किस देश में कहां किस जगह विकास हो रहा है, कांग्रेस का सवाल है। अभी राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जो NMP प्रोग्राम है, आप लोगों ने पाइपलाइन प्रोग्राम जो हाथ में लिया, उससे 6 लाख करोड़ भी जुटा रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ देश में, तो 6 लाख करोड़ कहां से उठा रहे हैं। उसके अलावा
आप पे महंगाई भी लाद रहे हैं, 6 लाख करोड़ भी शेयर्स बेच के ले रहे हैं, तो देश का ऐसा कौन सा विकास करना चाहते हैं? कांग्रेस से भी जानना चाहते हैं। आपने कहा है कि अटल जी के टाइम पे बॉन्ड इश्यू हुए थे। हाँ, अटल जी के टाइम पे बॉन्ड इश्यू हुए थे, 5,000 करोड़ रुपए के मात्र बॉन्ड इश्यू हुए थे। कांग्रेस के टाइम पे 1,44,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू हुए हैं, जो कि 2026 के बाद में, मतलब अब उसको 2026 तक उसका पेमेंट करना है। जो 1,44,000 करोड़ रुपए है वो आज 2,35,000 ज्योति जी, आ रहा हूँ ज्योति जी, आ रहा हूँ। नहीं, आंकड़े पूरे देना, आधे आंकड़े देने से तो आधा सच्ची रह जाता है। 73,000 करोड़ रुपए का हमने इंटरेस्ट दे चुके हैं, वो आने वाले टाइम में और इंटरेस्ट देंगे। और यूपीए गवर्नमेंट में 1.5 लाख करोड़ का दिया जा रहा था, फिर भी नहीं बनाए जा रहे थे। 1.25 लाख करोड़ का देने के बाद भी नहीं बनाए जा रहे थे, और आप फिर भी बढ़ा रहे हो। क्यों आपको दर्द नहीं आता है आम जनता का, आम महिला का, आम महिला की परेशानी का? आज हम ये कह रहे हैं कि हमने जो भी पैसा इकट्ठा किया वो डेवलपमेंट में लगाया है। आपका नेता ये कहता है कि हम 1 रुपए देते हैं, 85 पैसे हम जेब में रख लेते हैं, 15 पैसे जनता को जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि साहब हमने 1 रुपया लिया है, हम तो लूट लेते हैं, छीन लेते हैं पूरा का पूरा, 100 रुपए छीन लेते हैं। एक बात बताइए मुझे, गर्ग साहब एक बात जानना चाहता हूँ। आप राजीव गांधी के उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो खेडली अलवर में उन्होंने कहा था कि देश के सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। 1 रुपए हम भेजते हैं वो अब तक 15 पैसे विकास तक पहुंचता है, 85 पैसे को हमें संभालना है। आप उसको, मैं एक बात बताइए मुझे कि अगर देश का कोई प्रधानमंत्री उस फैक्ट को अगर कोई स्वीकार करता है तो हमें ये इसे खारिज कर रहे हैं आप, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हाँ सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए? चलिए वापस आ रहा हूँ। गर्ग साहब और ज्योति जी, मैं वापस लौट रहा हूँ। गर्ग साहब वापस लौट रहा हूँ। सुरेश जी, वापस आ रहा हूँ। मैं ज्योति जी आपके पास भी लौटूंगा। चारू गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ में है। मैं एक आम आदमी क्या सोचता है इस महंगाई को लेकर के, आंकड़ों का जाल हो सकता है लेकिन आम आदमी की समझ के बाहर, उसे चाहिए कि मेरे को जो पैसा मिल रहा है उसमें मेरा घर चलना चाहिए। कोरोना काल है, पैसे नहीं बचे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम प्याज कटता है उससे आंसू आ सकते हैं, लेकिन महंगाई से नहीं आनी चाहिए। हर आम आदमी ये चाहता है। ज्योति जी, चारू जी क्या सोचती है, एक आम आदमी की आप भी बात करती होंगी, क्या सोच क्या है महंगाई को लेकर के? ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल बीजेपी जो कह रही है वो सही है, या कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो सही है? अनम्यूट करिए चारू जी, म्यूट है आपके यहां से, म्यूट है, अनम्यूट करिए इसे। आपके यहाँ पे जो स्पीकर बना हुआ है माइक जैसा, उसको आप पे टच करिए, उससे अनम्यूट होगा ये। चलिए मैं जब तक ज्योति जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार, चारू जी। मैं तो योगेंद्र जी, मैं बहुत साफ स्पष्ट बात कहना चाहती हूँ। गर्ग साहब सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों, मैंने इसीलिए आंकड़े नहीं बोले थे, लेकिन गर्ग साहब ने आंकड़ों की बात खूब कह दी। चलिए आपने खूब कह दी। आप तो ये बताइए कि आम जनता को राहत देने के लिए, उस महिला को राहत देने के लिए, उस घर का बजट बचाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये जरूर बता दें कि पहले 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आप 100 रुपए 2 रुपए 1,000 रुपए छीन रहे हैं उसकी जेब से, उसकी जेब को लूट रहे हैं। अरे कुछ तो जाता था आपको पूरा मौका दूंगा मैं एक बार ज्योति जी की बात पूरी, क्योंकि हम बोलना चाहिए था कि हाँ हम ये राहत दे रहे हैं। आपको मेरे समय पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छा लगता कि आप बोलते हैं कि हाँ हम ये राहत देने जा रहे हैं। अरे आप जेब काट रहे हैं, जेब काट के उसके जेब से 100-500 हजार रुपए लगातार छीन रहे हैं, उसकी जेब से निकाल रहे हैं। बेचारा कहाँ से वो अपना खर्चा चलाए, कैसे अपना खर्चा चलाए? ज्योति जी एक मिनट रोकना चाहूंगा। चारू जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। चारू जी, एक आम आदमी, आम उपभोक्ता जो है वो क्या सोच रहा है इसको?
देखिए वो इस समय हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक उपभोक्ता की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही पिसा हुआ है। आज की तारीख में महंगाई की जो बेहताशा रूप में वो जो वृद्धि होती जा रही है, इसे कंट्रोल करने की कोई सीमा कहीं पे भी लागू नहीं है। आप आए दिन पेट्रोल के दाम देख लीजिए, आप चाहे तो गैस के दाम देख लीजिए, आप चाहे तो सब्जी फल दूध राशन गेहूं किसी के भी दामों में कंट्रोलिंग अथॉरिटी नगण्य काम रूप से काम कर रही है। किसी का भी कोई ऐसा इंटरप्शन नहीं है कि वो उसके ऊपर कहीं लगाम लगा सके। दूसरी बात, जनता को अभी केवल जो विकास की दर है, जो बात हो रही है मोदी जी के बारे में, कि वो आंकड़ों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं, जिससे कि वो एक नया रूप लेता है और उनकी जो वाहवाही है वो आगे बढ़ती है। मैं कहना चाहूंगी कि आंकड़ों को दिखाने में अतिशयोक्ति नहीं है, कि मोदी जी जैसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जनता की तरफ भी इस चीज को देखा जाना चाहिए कि जहां 100 रुपए से अधिक की कीमत का पेट्रोल मिलता है, 1,000 रुपए में 900 रुपए के अंदर कभी गैस मिलती है, आप क्या दिखाना चाहते हैं? कभी सब्सिडी को दिखाना चाहते हैं, कभी जनता को कहते हैं कि नहीं आप जो है अपना खुद देश के लिए सब्सिडी को खुद दीजिए, सब्सिडी खुद दीजिए, उसके बाद सब्सिडी कहाँ जाती है? जो मध्यम वर्ग के नहीं देना चाहता उसकी सब्सिडी भी खत्म हो जाती है। और हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के लिए आपने सिलेंडर के दाम बढ़ाए, वो आज भी चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। उनको एक बार सिलेंडर जरूर मिला था, लेकिन उसके बाद उनके पास उनकी जो इनकम है आय में ऐसी वृद्धि का कोई उपाय नहीं किया गया कि वो दोबारा सिलेंडर खरीद सके। घर साहब आपके पास आना चाहूंगा, यह एक आम आदमी का दर्द है। कांग्रेस का मुझे एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है, लेकिन एक आम उपभोक्ता है, उसको आपने सुना? योगेंद्र जी बिल्कुल सत्य बात है, सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े हैं, आज 881 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। हम सब्सिडी देते थे कुछ टाइम के लिए, सब्सिडी रोकी गई है, सब्सिडी बंद नहीं की गई है, कुछ टाइम के लिए कोरोना पीरियड के टाइम पर हमने सब्सिडी रोकी गई है, सब्सिडी को बंद नहीं किया गई, जो सब्सिडी मिली थी उसको रोका गया है। आज देश के अंदर विकास की और यही की जरूरत है। आज सब्सिडी क्यों रोकी गई है? आज ये देखिए ना, कोरोना काल में आज 63 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगाई है। आज देखो जीडीपी देखिए, आज 20% से ऊपर आप लोग ग्रोथ रेट आई है। आज सेंसेक्स देखिए, 57,000 पॉइंट से ऊपर सेंसेक्स बढ़ 20% तो सर पिछले। सुनिए 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 सर, एक बात गर्ग साहब, आप तो चार्टेड अकाउंटेंट है, ये बताइए कि जीडीपी जो 20.2% का जो जंप हुआ है, ये हाल ही में जो जारी किए गए थे आंकड़े उसमें है ये? और वो आंकड़ा अभी तक जो प्री कोविड था उसके पास भी नहीं पहुंचा है, अब ये थोड़ा सा क्लियर करिए। योगेंद्र जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ये मैसेज नहीं बनाया, आपकी बात से पॉजिटिव मैसेज है, ये पॉजिटिव मैसेज है, ये पॉजिटिव मैसेज है कि कोरोना काल के बाद में पटना के लोग बहुत अच्छी बात है। ये टू ईयर कंपैरिजन करोगे तो लास्ट टाइम से आगे कंपैरिजन करोगे तो 20.2 का ग्रोथ आई है। आने वाले में देखो कोरोना काल में गर्ग साहब इसे खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कोविड काल में इसे हम पॉजिटिव वे में देख रहे हैं कि वापस हम पटरी पे लौट रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, शुभ संकेत है ये, हम मान के चलते हैं इसे, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक जगह सुन रहा था कि 20% जीडीपी 20% नहीं है, अभी लोगों को बताइए कि जो थी उसमें इजाफा हुआ, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव बात है। और अगर ये फ्लो रहेगा, कोविड की तीसरी लहर नहीं आई, तो निश्चित रूप से हम वापस से उस स्थिति में पहुंचेंगे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है, लेकिन उस आम उपभोक्ता को, उसको जीडीपी से मतलब नहीं है, उसको 888 रुपए जो जेब से जा रहे हैं उससे मतलब है, 108 रुपए लीटर पेट्रोल भरवा रहा है उससे मतलब है, जो घर घर के झगड़े हो रहे हैं, जिसके यहाँ पे 2 सब्जी बन रही थी दाल गायब है या दाल पतली हो गई है, हंस रहे होंगे ज्योति जी और चारू जी, स्थितियां है यही। और जिसके यहाँ पे 1 सब्जी थी उसने थोड़ा कट मार दिया यहाँ पे कि चलिए यार एक से गुजारा है तो शाम और सुबह का कुछ एडजस्टमेंट करके चलिए। ये बहुत सारी स्थितियां लोगों की, महंगाई वास्तव में, सुरेश जी ये बात ठीक है कि देश का विकास होगा, लेकिन कहीं तो आप थोड़ा सा राहत देने की भी कोशिश करिए। 108 रुपए पेट्रोल करके और 15 पैसे कम करके 17 पैसे करके राहत मान रहे हैं। अब पेट्रोल की बात सुनिए, पेट्रोल के अंदर जीएसटी भी, पेट्रोल के अंदर एक्साइज ड्यूटी भी आती है और वेट भी आता है, दोनों 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 सरकार। अरे जीएसटी में ले आइए सुरेश गर्ग साहब, ये तो आपके हाथ की बात है, फिर आपको सुलझाने का काम कर रहे हैं जनता की, कोई तो राहत की बात क्रिया कीजिए, केवल आपको सुलझा करके तब तक आपको सुलझेंगे। केंद्र सरकार नहीं कर सकती एक्साइज ड्यूटी को कम, केंद्र सरकार एक बार राहत ले
अच्छी बात है, एक दूसरे को आप लोग आईना दिखा रहे, आईना दिखा रहे। चलिए आप ये स्वीकार कर रहे हैं, आप तो आप तो आपने तो पता नहीं कितनी बड़ी राहत दे दी है जनता को। मजाक कोई ना चल रहा है, आप होटलों में बंद होकर उसमें पैसा लग रहा है, बाराबंदी में पैसा लगाया आपने, चारू जी, चारू जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यही बताना चाह रही थी कि जनता, योगेंद्र जी वास्तव में इतनी त्रस्त है अभी कि अपनी 2 जून की रोटी के लिए वो कह नहीं पा रही। हर आदमी अपने आप को यही बता रहा है कि मैं वर्क एट होम कर रहा हूँ, वो ये बताने की स्थिति में नहीं है कि वो कह दे कि मेरी नौकरी छूट गई है या मेरे को आधी तनख्वाह पे रख दिया। लेकिन आप वो दिन भी याद कीजिए जब अटल बिहारी जी की सरकार, जब 50 और 80 रुपए किलो प्याज हो गए थे तो वो चली गई थी। कारण ये है आज हमारे पेटों में खाने को अन्न नहीं है, जनता परेशान है, इसलिए वो इन बातों पे नहीं आना चाहती कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो उसको बोलने की उसकी बेचारे की हिम्मत ही नहीं है कि वो कैसे बयान करे। लेकिन ये दर्द हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारें जो भी हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, जहां भी वो राहत दे सकती हो उपभोक्ता को, उनको देने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल, जरूरत इस वक्त राहत की है और वो राहत कैसे दे सकते हैं, निश्चित रूप से सरकारें इस पे कोशिश कर सकती हैं, करनी चाहिए। और विकास के लिए ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि विकास की हम बात कहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकारों को चुना इसी वजह से जाता है कि देश को एक सतत प्रक्रिया में विकास के में आगे बढ़ा जाना चाहेंगे। एक सरकार ने किया उससे आगे उसको लेकर के जाएंगे। लेकिन केवल हम महंगाई को यूं जस्टिफाई करें कि केवल बस विकास के लिए ही इतनी महंगाई कर रहे हैं, मुझे लगता है ये आम आदमी के गले नहीं उतर रही है। कहीं राहत जरूर देनी चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिस स्तर पे दी जा सकती है। चले, लेकिन अब ये मुद्दा कितना राजनीतिक सरगर्मियां पैदा करेगा। पहले तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, आज महंगाई कितना मुद्दा रह जाएगा राजनीतिक दलों के लिए। पहले थोड़ा पैसा भी अगर फ्यूल प्राइस में बढ़ता था तो भारत बंद। चले, खैर वो दौर तो अब नहीं चल रहा, लेकिन अभी भी लगता है कि आम उपभोक्ता की जेब कट रही है या देश का विकास हो रहा है, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन राहत मिलनी चाहिए इतना जरूर कहूंगा। शुक्रिया आप सभी का, बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।